नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। कोरोना शायद ही इस नाम को अपने जहन से हम लोग निकाल पाए। ये ताउम्र हमारे जीवन के साथ रहेगा। इस कोरोना ने आज पूरे संसार में आतंक मचा के रखा है। लोगों के सर चढ़कर कोरोना बोल रहा है। भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा बिनहि नहि संता जो रघुवीर। वैसे ही हमारे आसनसोल में डॉक्टर्स, नर्स, बिजनेसमैन, पुलिस अधिकारी व कर्मी इसके शिकार हो चुके हैं, जिससे शहरवासियों के पेशानी पे चिंता की लकीरें खींच गई है। वहीं आसनसोल नगर निगम के मेयर और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके समर्थकों में काफ़ी निराशा और दुख देखा जा रहा है। इसे लेकर जगह जगह दुआ और प्रार्थना के लिए लोगों के हाथ मंदिरों मस्जिदों में उठ रहे हैं। लगातार लोग मेयर जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी और उनके सहयोगियों की सलामती के लिए दुआएं मांग रही हैं। जानते हैं हमारे मेयर साहब महानागरिक कोरोना से संक्रमित हुए हैं, साथ ही उनकी पत्नी भी, तो उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए हम लोग एक पूजा अर्चना, एक होम का आयोजन किए हैं 18 नंबर वार्ड वासी लोग की तरफ से। लगातार धार्मिक अनुष्ठानें हो रही हैं। इसी तरह वार्ड संख्या 59 के पार्षद सर MIC मीर हासिम ने दुआ और प्रार्थना दोनों की। उन्होंने अपने कार्यालय में कुरान पाक की तिलावत की, तो देवी मंदिर में पूजा और अर्चना कर मेयर और उनकी पत्नी की सलामती की दुआएं मांगी। इसके अलावा वार्ड संख्या 19 के पार्षद अमित तुलसान ने भी धार्मिक अनुष्ठान किए और मेयर और उनकी पत्नी का जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके अलावा राम जानकी मंदिर में प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सदाशिव आचार्य ने धार्मिक अनुष्ठान किया और मेयर उनकी पत्नी की सलामती की प्रार्थना की। अल्लाह कि जो हमारे जितेंद्र तिवारी साहब और जो उनकी अहलिया जो बीमार हैं, अल्लाह, और उनके अलावा जो दूसरे लोग बीमार हैं, अल्लाह, जिनका नाम लिया गया है, पश्चिम बर्धमान जिला के नायब सदर महेश्वर मुखर्जी हो या गौरव गुप्ता हो या अनूप चटर्जी हो, अल्लाह, और उनके अलावा जो भी हमारे भाई बीमार हैं, अल्लाह, जो भी वो जिस धर्म से भी हो, अल्लाह, हम सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तू उन सबको सेहत अता फरमा और जल्द अज जल्द उन सबको रिकवर फरमा। अल्लाह ये सारे वो लोग हैं इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाह रहम का करम का आफू का फजल का मामला फरमा। अल्लाह खैर का फैसला फरमा। अल्लाह यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह, हर धर्म के हैं, हर मजहब के हैं, अल्लाह तू यही हुकुम भी देता है और तू यही भी अपने तासुरा की पहचान से भी लोगों नंबर अल्लाह कि जो हमारे जितेंद्र तिवारी
साहब और जो उनकी अहलिया जो बीमार हैं ऐ अल्लाह, और उनके अलावा जो दूसरे लोग बीमार हैं अल्लाह, जिनका नाम लिया गया है, पश्चिम बर्धमान जिला के नायब सदर महेश्वर मुखर्जी हो या गौरव गुप्ता हो या अनूप चटर्जी हो, ऐ अल्लाह और उनके अलावा जो भी हमारे भाई बीमार हैं, ऐ अल्लाह जो भी वो जिस धर्म से भी हो अल्लाह, में हम सब के लिए दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तू उन सबको सेहत अता फरमा और जल्द अज जल्द उन सबको रिकवर फरमा। ऐ अल्लाह ये सारे वो लोग हैं फरमा और जल्द अज जल्द उन सबको रिकवर फरमा करते हैं और जरूरतमंदों की बीमारों की भी मदद करते हैं और पैदल ऐ अल्लाह हम ज्यादा दिन ऐ अल्लाह के हम सब लोग आसनसोल के तमाम लोगों का करीब ऐ अल्लाह हमारे जो भाई जो हिंदू भाई यहाँ बैठे हैं सब भाई बैठे हैं वो अपने एतबार से दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह हम सब जल्द और तमाम जगहों की खबरगिरी करते हैं तो ऐसे आसनसोल के सबको मेयर पांडेवसर विधायक पश्चिम बर्धमान जिला प्रेसिडेंट जनाब जितेंद्र कुमार तिवारी साहब उनार वाइफ एवं आमादेर पश्चिम बर्धमान वाइस प्रेसिडेंट जनाब महेश्वर मुखर्जी साहब उनादेर संगे आमादेर छात्र नेता गौरव गुप्ता आमादेर नेता अनूप चटर्जी एरा कोविड 19 पॉजिटिव बेरिए छे तार जन्ने आमरा सकले आसनसोल बासीरा আমাদের দলের যত কর্মী আছে আমাদের যত লোক আছে কি করলেন এখন আপনারা আজকে আমরা মৌলানা সাহেব আজকে দোয়া করেছেন ওনার সুস্থ হওয়ার জন্য যেরকম উনি কোভিড 19 থেকে রিকভারি হয়ে ফিরে আসুন আর আশা করি আল্লাহ আমাদের কথা শুনবে যে মানুষ মায়েদের সঙ্গে থাকে বোনেদের সঙ্গে থাকে ভাইদের সঙ্গে থাকে ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্গে থাকে তাদের সবারই ওনার উপরে আশীর্বাদ আছে সবাই আজকে দোয়া করছেন উনি সুস্থ হয়ে খুবই তাড়াতাড়ি আসবেন সবারই দোয়া কবুল হবে আর উনি তাড়াতাড়ি এসে নিজের দায়িত্ব সামাল এইভাবে পড়ে আছে আমাদের মন্ত্রী মানুষের তাই অন্ত ঈশ্বরের কাছে বা আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি তার যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায় এবং আবার কোনো আবার কাজে লেগে যায় তাহলে আমাদের মনে শান্তি পুরী এলাকায় এই তো 7 মাস পর আপনার ভোট বড় গুরু দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে আমি চাই সবাই মিলে আমরা হাতে হাত ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পুনরুদ্দিন বলে কিছু না উজ্জ্বল চ্যাটার্জী বীরানীজি বলে কিছু না মীর হাজিম বলে কিছু না সবাই মিলে একসাথে কাজ করে আমরা বিহারকে ব্যাগের হাত শক্ত করতে আমরা যতদূর লড়াই করতে পারব এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় হিন্দ বন্দে মাতরম জয় হিন্দ आने का हमको भी मौका मिला आप सबको खत्म कर रहा बहुत बहुत थैंक यू। असल में दोस्तों यही एक ये हिंदुस्तान है जिसमें हम लोग एक गुलदस्ता के मालिक है। आप देखा कि मेयर हासिम साहब के प्रोग्राम अर्पण करके तशरीफ आवरी हुई है उनका भी हम लोग वेलकम करते हैं उनका इस्तकबाल करते हैं। आइए इसके बाद मैं अपने मोहतबर अपने लहजा की वजह तक वो भी बहुत ही मकबूल है मेरी मुराद अली जनाब वसनी तासुराती कलमात से हम लोग को नवाज सकते अस्सलाम वालेकुम। दुआया मजलिस में शामिल हुए हैं आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकलियती उमूर के MMIC। देखिए जैसा कि आप लोग तमाम लोग जानते हैं आसनसोल के मेयर पंडेसर के विधायक और पश्चिम जिला बर्धमान के अध्यक्ष सदर जनाब जितेंद्र कुमार तिवारी साहब उनकी अहलिया चैताली तिवारी पश्चिम बर्धमान जिला के नायब सदर महेश्वर मुखर्जी छात्रों नेता गौरव गुप्ता उसके अलावा अनूप चटर्जी जो हमारे नेता हैं ये 5 लोग कोविड-19 के शिकार हैं पॉजिटिव पाया गया है तो ये लोग आसनसोल के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिल-ए-तारीफ़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के वक्त महामारी के वक्त
जनाब जितेंद्र कुमार तिवारी साहब अपनी जान की परवाह किए बगैर आसनसोल के माँ बहनों का भाई बच्चों का, यहाँ के जितने भी लोग हैं आसनसोल से लेकर पांडवेश्वर तक के लोगों का ख्याल रखते हुए सब घर में अनाज पहुँचाया, ताकि इस महामारी में कोई भूखा ना मरे, कि कोई माँ बगैर खाए हुए ना मरे, कोई बच्चा बीमार ना पड़ जाए, ये सबको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बेतहाशा माने मेहनत की है और खटे हैं। जबकि कोविड 19 के वक्त लोग अपने अपने घरों में थे, बहुत सारे नेता थे और भी आपने विरोधी दल के नेता को देखा होगा, लेकिन हमारी जो मुख्यमंत्री है वजीर आलम ममता बनर्जी है, वो महामारी के वक्त पूरा बंगाल में सभी जगह पहुंच रही थी। उनको डर नहीं था, उनको डर ये था कि हमारा कोई बच्चा ना मरे, हमारी कोई बहन ना मरे, हमारी कोई माँ ना मरे, हमारी कोई मगरी बंगाल के रहने वाले कोई कोविड 19 के शिकार ना हो, ये उनको डर था, ये उनको अपने जान का डर नहीं था और बेतहाशा वो काम कर रही थी। उनके हिदायत के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, कर्मी हैं, सिपाही हैं, सभी लोग रोड पर उतर चुके थे, मोहल्ले पर उतर चुके थे, आज भी वो लोग काम कर रहे हैं और उसका नतीजा है और उनका मिसाल है हमारे आसनसोल के जो डायमंड है जिन्हें हीरा कहा जाता है, जनाब मेयर जितेंद्र तिवारी साहब जो है, और वो बेतहाशा खट रहे थे, आज उन्हें पॉजिटिव हुआ है। लेकिन मैं जानता हूँ कि अल्लाह बहुत बड़ा है, रहीम और करीम है, सबकी सुनने वाला है। आसनसोल के तमाम लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारी माएँ दुआ कर रही, हमारी बहनें दुआ कर रही, हमारे बुजुर्ग दुआ कर रहे हैं, हमारे पंडित दुआ कर रहे हैं, हमारे मौलाना दुआ कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो सेहतयाब होकर जल्द से जल्द लौटेंगे और अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और आसनसोल के आवाम के लिए खिदमत करेंगे। ये एक प्रार्थना सभा में कौन कौन उपस्थित थे हमारे हमारे इस सभा में, दुआया सभा में खुलटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट, खुलटी के तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट ये विमान आचार्य साहब, खुलटी के युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबन मुखर्जी, कुलटी के काउंसिलर आसनसोल म्युनिसिपल। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा और महालया होने जा रही है। हर साल इसे लेकर बाजार में काफ़ी उमंग दिखता था, चहल पहल रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ये चहल पहल, लोगों की चहलकदमी भी नहीं दिख रही है। हमारे संवाददाता ने जब दुकानदारों से पूछा तो उनकी प्रतिक्रिया में आई कि इस बार का बाज़ार काफ़ी डाउन है, बाज़ार सुनसान है, दुकानें भी सुनसान हैं, जहाँ पे लोग पूजा सामग्री खरीदने के लिए लंबी कतारें लगाती थी, आज वो खाली खाली दिख रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कोरोना ने किस कदर का आतंक फैलाया है कि आज हमारे जीवन से सारे उमंग तरंग ही खत्म हो गए हैं, पर्व त्यौहार सारे समाप्त हो गए हैं। कस्टमर तो भोए भोए माल लिखे ना, अब मोहल्ले आगे चले इससे से जो बोलते पार्टी बोलते जानिए ना कि मोहल्ले आगे है बहुत कस्टमर अब आपसे एक मास पूरे मोहल्ले से जो भीड़ अच्छे ना बहुत कस्टमर आपसे। कितना का पटाखा दुकान में मतलब आप लाए थे इस साल बेचने के लिए? अच्छा, तो उसमें से अभी कितना बेच चुके हैं? अभी 20% सेल हुआ है। अच्छा, एकदम कम की है, ये कुछ है ही नहीं, हल्का फुल्का है। अब क्या क्या पूजा का सामग्री के अलावा और क्या क्या रखते हैं दुकान? माला उला से सब घी। अच्छा, खिलौना ना, बच्चे लोग खिलौना वाला, बच्चे लोग का खिलौना। इस साल बाजार कैसा था? इस साल कैसे अभी तक बाजार घुसते क्या कैसे जाएगा देखा जाए। कितना का सामान लाए थे दुकान में, खिलौना वगैरह बच्चा लोग का? और 2-3 हज़ार 4 हज़ार के जो भी पता। कितना बेचे अभी तो माल पड़ा हुआ देखे, रात में दिक्कत नहीं है, नहीं माल बेचे नहीं मतलब कुछ बिक्री हो रहा है, झूठ का है बोलेगा। कितना कितना बिक्री किए अभी? सोलह पता देखा है सब दे रहे हैं। नहीं नहीं, सामान फिर भी आपका कितना निकल गया? 600-700 निकला हुआ। अच्छा, मतलब अभी आपका पूंजी वापस नहीं हुआ? ना ना, बहुत देर दिल्ली। ठीक, धन्यवाद।